का दिन जो है सो उसे शैल शैल पुत्री माने जब उन्होंने हिमालय में जन्म लिया था पहले तो इसलिए उनको शैल पुत्री देते और फिर इसमें और भी उनके नाम है लेकिन शैल पुत्री की विशेषता ये है कि उनका प्रथम जन्म शैल पुत्री के रूप से तो हिमालय की उस ठंड में देवी का जन्म हुआ और जो कुछ भी उन्हें करना था वो वही सीमित था शैल पुत्री लेकिन आगे की तो स्टोरी आपको मालूम ही है कि दक्ष ने जो हवन बनाया था उसमें उन्होंने शिवजी को आमंत्रण नहीं दिया ये शिवजी की पत्नी तो फिर देवी ने उनको सती कह तब सती उन्होंने जा करके हवन कुंड में अग्नि में अपनी आहुति दी तब शिव जी आए और उनके शरीर को उठा के और निकले तो वो अनेक जगह उनके शरीर के टुकड़े थे और उस जगह हम लोग मानते हैं कि देवी की शक्ति है जैसे विंध्याचल में है हर जगह तो उनकी शक्ति वहां विचरण करती है ऐसा कहते हैं और वो जो शक्ति थी वो किसी भी चीज को पवित्र कर देती थी इतनी संहारक संहारक शक्ति जो थी ये जो सात शक्तियां हैं उसे संहारक शक्ति उसके बाद संहारक शक्ति जो आई वो राइट से और जैसे राइट साइड में है सावित्री गायत्री आदि राइट साइड पर संहारक शक्ति का जो प्रादुर्भाव हुआ मतलब एक दिशा लेफ्ट में नहीं एक दिशा राइट और जो संहारक शक्ति है वो सेंटर तो उसमें आप देखते हैं कि देवी के अनेक रूप आठ चक्र जैसे दुर्गा है और भी उनके रूप है जिसने उन्हें संवार वो हृदय पे विराजमान हृदय चक्र पे हमारे हृदय चक्र में वो विराज थे तो इस हृदय चक्र की एक शक्ति तो यह है कि अगर कोई आपको परेशान करे या आपके आघात करे ये आपको दुविधा में डाल दे तो वो जो शक्ति है हृदय में वो आपका प्रोटेक्शन करेगी और जो आपको सताएगा उसका सम्मान तो वहां पर सबसे जो शक्ति का क्या करना चाहिए प्रतुभाव है या सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस है उसकी इसका असर है वो है कुंडलिनी का वाहन जब कुंडलिनी हृदय चक्र पे आती है क्योंकि कुंडलिनी जगदम्बा उसका अम्बा तो जब वो आती है तब उसकी शक्ति और बढ़ जाती है तो जब मनुष्य सौजन्य को प्राप्त होता है और कुंडलिनी के जागरण से उसके हृदय में स्थित होती है शक्ति तो वो पूरी तरह से आपको
संभालती है, आपका रक्षण करती है पूरी दिन, आपका बाल भी नहीं बांधता उसे, पर उसको हृदय में रखना चाहिए, मां को हृदय में रखना चाहिए। ये मां की शक्ति है, मातृत्व की शक्ति, और मातृत्व शक्ति ऐसी है कि वो अपने बच्चों को हमेशा संरक्षित करती है, हमेशा संरक्षित। सो इसीलिए कि जब कभी हम लोग परेशान होते हैं तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऐसा कहा है कि यहाँ जो हड्डी है वो हिलने लग जाती है, और उससे जो चारों तरफ फैले हुए हमारे एंटीबॉडीज हैं, जिनको हमारी भाषा में तो हम गढ़ हैं, उन गढ़ों को खबर आ जाते हैं और वो फौरन तैयार हो जाते हैं। तो गढ़ों की भी वो महाराज नहीं है, उनके भी आधार पर, उन्हीं के आज्ञा पर वो चलते हैं। और इन लोगों में जैसे गणेश और देवी, इनमें कोई कभी भी झगड़ा होने का सवाल ही नहीं आता, वैमनस्य होने का सवाल ही नहीं आता, वो दोनों ही शक्ति मानने से एक आकार। तो गणेश उनके बेटे हैं और वो उनकी माँ। तो जो लोग गणेश जी को मानते हैं और जिन्होंने प्राप्त किया है गणेश को सहज में विशेष, उनको वो बिल्कुल अपने बच्चे जैसे समझते हैं, पग पग पर हर जगह वो देखती है, क्योंकि वो माँ और आप गणेश, और आपके गणेश निर्मल होने चाहिए। अगर गणेश में गड़बड़ है तो फिर उसको करेक्ट करते हैं। इस प्रकार नाना विध उनकी क्रियाएं हैं, पर आज की विशेषता ये है, कहते हैं कि सर्वप्रथम उन्होंने शैलपुत्री के नाम से जन्म लिया, और ये बात सत्ययुग की होगी। लेकिन उससे पहले जब आदि शक्ति संसार में आई तो एक गाय के रूप में उन्होंने जन्म लिया, और एक मतलब इसको हम लोग कहते हैं कि वो एरिया या परम चैतन्य की जो बस्ती है उसमें उन्होंने अवतरण किया, और वहां एक गाय बनके रही, और अस्वाद ये है कि वहां गोकुल पहले बना और वहां ये गाय, हर एक चीज पहले बनी और उसका प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन हमारे अंदर है। जैसे सदाशिव है तो उनसे शिव बन गए, सबके ऐसे रिफ्लेक्शन सारे। उसी प्रकार देवी का, सो देवी का प्रादुर्भाव जो हुआ वो तो पहले जब जन्म लिया मनुष्य रूप में तो शैलपुत्र है, इसलिए आज का बड़ा मान है। लेकिन उस दशा में जहां के मैं बता रहे हूं, जिसको आप कहते हैं परम चैतन्य की जो व्यवस्था है, स्वर्ग कहिए चाहे जो भी कहिए, उसमें उन्होंने आदि शक्ति के नाम से जन्म लिया, और वो एक गाय की स्वरूप में थी, इसलिए हम लोग गाय को नहीं मानते क्योंकि वो माँ है। और वो भी यहाँ की गाय में फॉरन की गाय में बहुत फर्क है, उनकी शक्ल और होती है, उनकी बिल्कुल अलग होती है। मुझे याद है मेरी लड़कियां छोटी थी, ये ग्रैंड डॉटर्स, तो पूछती है कि नानी यहाँ की भैंसे सफेद क्यों है, तो भैंस में और गाय की एक्सप्रेशन में कोई फर्क ही नहीं, तो उनकी है। अब वो ही आदि शक्ति के लिए जन्म लेने का समय नहीं था, क्योंकि पहले आप जानते हैं कि तो आप त्रेता आदि होते गया, वो कलयुग में उनको आना था, क्योंकि सारे ही
चक्रों को लेकर, सारे ही देवियों को लेकर, सारी ही शक्तियों को लेकर के कलयुग में आना पड़ा, नहीं तो कारण इतना घोर कलयुग, इस घोर कलयुग में कार्य करना पड़ा कठिन। और उसमें महामाया स्वरूप, क्योंकि घोर कलयुग में अगर कोई जाने की आदि शक्ति तो ऐसी मारने को दौड़े, इसलिए महामाया बने। और पहले का जो था स्वरूप, तो वो इस तरह महामाया स्वरूप नहीं था, वो पूरा खुला प्रचंड था। क्योंकि उन दिनों में ऐसी कोई बात नहीं थी कि देवी को कोई मार डालेगा, वो जमाना और था जैसे कहते। अब वो भी उनका जन्म जो हुआ हिमालय के गोद में, और उसके बाद विवाह शिव जैसे महान शक्तिशाली साथ, तो बहुत बार लोगों को ये प्रश्न होता है कि एक नवरात्रि ये है, एक नवरात्रि और एक देवी के लिए कहते हैं कि महाकाली है, महासरस्वती है, सब है, लेकिन सब आदि शक्ति के ही अंग प्रत्यंग है। और एक जो प्रादुर्भाव हुआ वो भी ऐसे टाइम में हुआ कि जिस कार्य को करना, जैसे आपके मेरठ में शाकंभरी देवी, शाकंभरी देवी का प्रादुर्भाव, उनमें ये शक्ति थी कि वो उपज को बढ़ाती थी। हम भी जब मेरठ में थे तो हमने बहुत वहां खेती बाड़ी करी, तो इतने बड़े बड़े बैंगन आप खा नहीं सकते, बड़े बड़े टमाटर और ककड़ियां इतनी मोटी, इतनी लंबी, उस समय जिस में नहीं आता था लोगों के ग्रामे, तो पांच अच्छे प्राइजेस मिले। वो शाकंभरी देवी की शक्ति है। तो जहां जिस शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, वहां ये शक्ति जो भी हो वही कार्य में ज्यादा लग सकती है। अब लोग चामुंडा कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, उसमें सबको कंफ्यूजन होता है, लेकिन शक्ति के अनेक स्वरूप है और जिस चीज की जरूरत जब होती उसको इस्तेमाल करती। तो ऐसे कोई नहीं है कि दुर्गा है तो फिर ये चामुंडा कौन है, ऐसी बात नहीं है, ये सब है और इनका होना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग देवता है इस प्रकार कार्य करते हैं, ऐसी देवी भी शक्ति स्वरूप। और देवी के बगैर कोई भी अवतरण कुछ नहीं कार्य कर सकता, चाहे वो गुरु हो और वो चाहे रामावतार में हो या कृष्णावतार हो, क्राइस्ट हो, कोई हो, सबके पीछे में एक देवी की शक्ति है। इसलिए हमारे देश में माँ को इतना मानते हैं। एक्चुअली ऐसा कहना चाहिए कि भारतीय जो है शक्ति पुजारी, बाकी ऐसी चीजें पर चली है, वहां झगड़े झगड़ करते हैं, पर वास्तविक सब लोग शक्ति पुजारी, जो विष्णु को मानते हैं वो भी शक्ति पुजारी, जो शिव को मानते हैं वो भी शक्ति पुजारी, क्योंकि माँ, माँ को तो कोई नहीं बांट सकता। तो ये ऐसी बड़ी भारी संस्था माँ की अपने देश में है, और उसके लिए हमें उसका